बेगम है, मोहम्मद जलील मेरे से 400 साल, मेरा नाम सकिया बेगम है, मोहम्मद जलील 4 साल से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट से थे, 2 साल मेरे से फ़ोन पे बात करे, मेरे बारे में सब हाल हकीकत मालूम है, मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे सब मालूम रखे, मेरे को आस में रखे, 4 साल से मेरे को इस्तेमाल करें, 1 साल पहले आए मेरे को शादी करता हूँ मिल गया, खुद कर लिए नहीं करें, अब फिर आके मेरे को इस्तेमाल करें, अभी भी धोखे में रखे मेरे को, बोरे शादी करता हूँ, फिर बोरे भी मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे, तू बच्चा लाने तू वो है ये बोल के 4 साल से बर्दाश्त कर रही मैं, मेरे को इतने बुरे बुरे गालियाँ दिए सब दिए करे, फिर करने के बाद में फिर मेरे को पैसे ही भेजे करता हूँ बोल के, खाजी का नहीं भेजे पूरे प्रूफा वॉइस रिकॉर्डिंग सब है मेरी बहन के सामने बोले, करता हूँ बोल के मैं उनके पास भरोसा करके मैं 4 साल में ख़राब कर लिए अपने, मेरे 4 महीने पहले मेरे को रिश्ता आया था, मेरे को करने नहीं दिए, शादी कैसा करती थी वो जान से मरा तो मेरे साथ ज़िंदगी ख़राब हुई ना मेरे संगत, मैं आने के बाद मैं करता हूँ बल्कि मेरे को आस में रख रहे, कलम वाले वाले सब बुला के बात करे तो नहीं करता हूँ, जाओ जो करना है कर लो, पुलिस वाले कहने जाते जाओ कहाँ जाते जाओ, मेरा कुछ भी कोई भी मिंगा नहीं करते, बोरे मेरे को इंसाफ होना, मैं 4 साल से और बोरे तू क्या जवान बच्ची है क्या, तेरी इज्जत उछाल ले कैसे, तू ऑलरेडी इज्जत उछली हुई है, मैं अकेल हूँ बोरे मेरे को क्या क्या कि इल्ज़ाम लगा दे, मोहम्मद जलील है, क्या काम करते हैं? यहाँ सेंटरिंग का काम करते हैं, बाहर रहते हो ना, बाहर रहते हैं सऊदी में रहते हैं ना, मेरा यहाँ हैदराबाद में अयान होटल नाइस के पास रहते हैं, गुंटल की दरगाह के पास, मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं मालूम है, मेरे को बाहर निकलना मुश्किल कर देते थे, फोन आ करके कहाँ जा रही किधर जा रही, मेरे को कोई दावत अटेंड करने नहीं देते थे, अकेले जाने नहीं देते थे, मेरे को अच्छा पहनने ओढ़ने नहीं देते थे। आपका निकाह हुआ उनके साथ में? निकाह नहीं हुआ, मेरे को करते 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 बल्कि 4 साल से मेरे को यूज़ करें, जब बोले जब रात को आधी आधी रात को घंटों भर फोन आ करते मेरे पास बात करते, मैं बंद करे तो मेरे वाले साहब क्या करना चाह रहे हैं, मेरे को इंसाफ होना चाहिए बस, कंप्लेन करे यार, कंप्लेन करी, मेरे को इंसाफ होना चाहिए और कुछ भी नहीं, मेरी बेइज्जती बहुत कर दी है जली, मेरी इज्जत से बहुत खेल दी है। पुलिस वाले क्या बोले? पुलिस वाले कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिए, जवाब नहीं दिए, देते बोले जैसे मेरे फोटो आ, जैसे जो नहीं देखने के फोटो आ, देख के मेरे को टॉर्चर करके मेरे को टॉर्चर करे, तू कैसा करती है शादी, ये फोटो पूरे तेरे बस्ती में डाल देता हूँ फैला है, तो किसी की नौ ना बदनाम कर देता हूँ फोटो से, बल्कि अभी भी मेरे फ़ोन में फोटोज है पूरे, मैं मोहब्बत में अपना समझ मरज समझ के मैं उनसे बात करी, रिलेशन रखी, मगर आदमी मेरे संगत बहुत गलत करा, इतना गलत करा, मैं उनको अपना समझी, अपना शौहर समझी, अपना मरज समझी, सब कुछ समझी, मगर मेरे को बचलन रखे रान बना के रखने की कोशिश में थे, उन्होंने मेरे को बदनाम करे ऐसे, अभी मैं पीएस को आई, मेरे को इंसाफ होना, मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई और किसी की ज़िंदगी ऐसी ख़राब नहीं हो, औरत हो या जवान बच्ची है, औरत की इज्जत इज्जत होती, चाहे कोई भी रहने दो, औरत रहने दो या बुढ़ी रहने दो, उसकी इज्जत इज्जत दी, उसकी इज्जत से कोई खेलने का किसी को हक नहीं।